PCNL अर्थात परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथॉटमी किडनी स्टोन के लिए किया जाने वाला सबसे कॉमन ऑपरेशन, इसमें पीठ में एक छोटा सा होल कर किडनी के बड़े से बड़े स्टोन निकाल दिए जाते हैं। मैं हूं डॉक्टर संतोष अग्रवाल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा PCNL के क्या एडवांटेज हैं और क्या रिस्क हैं। इसके पहले मैंने PCNL के बारे में एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में मैंने डाला था, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आए कि PCNL का क्या रिस्क है और क्या एडवांटेज है। तो इस वीडियो में मैं आज PCNL के एडवांटेज और रिस्क के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं PCNL ऑपरेशन के बारे में एक संक्षेप में बता दूं कि PCNL ये बड़े किडनी स्टोन्स के लिए किया जाता है और इसमें पूर्ण बेहोशी में या अर्ध बेहोशी में पीठ के पीछे एक छोटा सा होल कर किडनी स्टोन तक पहुँचा जाता है और इसे लेज़र या लिथोट्रिप्टर के द्वारा स्टोन को तोड़कर निकाल दिया जाता है। PCNL का जो इसके पहले का वीडियो है उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है, आप जानकारी के लिए इसको आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या एडवांटेज है रिस्क में। रिस्क जानने के पहले क्या एडवांटेज है यह जानना जरूरी है। तो PCNL बेसिकली जो किडनी के बड़े स्टोन्स होते हैं 1.5 से 2 सेंटीमीटर के स्टोन्स होते हैं उसके लिए किया जाता है। आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जब हम लोगों ने PCNL ऑपरेशन की शुरुआत की थी तब PCNL की जो दूरबीनें होती थी वो काफ़ी मोटी मोटी होती थी, करीब 30 नंबर का होल करना पड़ता था, 30 फ्रेंच का होल करना पड़ता था और उससे मोटी दूरबीनें डाली जाती थी। तब उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती थी, ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी, आसपास के ऑर्गन्स की इंजरी भी ज़्यादा होती थी। बट जैसे जैसे टेक्निक्स इंप्रूव हुई हैं और मॉडर्न दूरबीनें आ गई हैं और काफ़ी पतली पतली दूरबीनें भी आ गई हैं और स्टोन तोड़ने के लिए जो एनर्जी डिवाइसेस हैं, लेज़र हैं, काफ़ी पावरफुल लेज़र आ गए हैं, उससे स्टोन भी काफ़ी फास्ट तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो जब इन सब टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ तो प्रोसीजर्स की कॉम्प्लिकेशंस रेट्स भी कम होती गई और उसका एडवांटेज और बढ़ता गया। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें स्टोन क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है। इस टेक्निक में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका स्टोन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। स्टोन निकालने के और भी टेक्निक्स हैं जैसे ESWL लिथोट्रिप्सी, जिसमें पेशेंट्स को बाहर से शॉर्ट्स दिए जाते हैं एक मशीन में लिटाकर और स्टोन अंदर ही अंदर टूट जाता है और अपने आप निकल जाता है। और दूसरा होता है यूरेट्रोस्कोपी RARS। इन सब टेक्निक्स के मुकाबले PCNL में स्टोन क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि दूरबीनों का साइज़ छोटा हो गया है तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो गए हैं और हमें उससे एडवांटेज भी काफ़ी बढ़ गए हैं। आज से 15 साल पहले बात करूँ तो जब हम PCNL ऑपरेशन करते थे तो हम ब्लड अरेंज भी करते थे। पहले ब्लड ग्रुप पता करते थे कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, निगेटिव ब्लड ग्रुप है और 2 यूनिट ब्लड क्रॉस मैच करके देखते थे। लेकिन जब चूंकि दूरबीनें अच्छी हो गई हैं, एनर्जी सोर्सेज अच्छी हो गए हैं, तो आजकल हम PCNL ऑपरेशन के पहले यूजली ना तो ब्लड अरेंज करते हैं ना तो क्रॉस मैच करते हैं, सिर्फ ब्लड ग्रुप करके देखते हैं ताकि ये पता चल सके कि कोई रेयर ब्लड ग्रुप तो नहीं है। तो एडवांटेज ये है कि बड़ा से बड़ा स्टोन क्लियर हो जाता है और क्लियरेंस रेट बेटर है। दूसरा, यूजली सेम डे अगर छोटा स्टोन है तो सेम डे आप 10-12 घंटे बाद छुट्टी करा सकते हैं अगर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ऑपरेशन हो गया है, या तो नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है। इसमें पेन काफ़ी कम होता है। पहले के ज़माने में काफ़ी बड़े बड़े चीरे लगा के ऑपरेशन किए जाते थे, उसके मुकाबले एक छोटा सा होल होता है और स्टोन निकल जाता है। दर्द काफ़ी कम होता है, रिटर्न टू द वर्क फास्टर होता है। आप 10-15 दिन में आप अपना सारा काम चालू कर सकते हैं और आप चलना फिरना तुरंत चालू कर सकते हैं। ब्लीडिंग के चांसेस पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गए। तो यह रहा मेन एडवांटेज। अब मैं आगे बात करूंगा कि इसके क्या क्या रिस्क हैं। तो PCNL ऑपरेशन में सबसे बड़ा रिस्क है ब्लीडिंग। किडनी एक वैस्कुलर ऑर्गन है, मतलब उसमें 1 मिनट में करीब 1000 ml से लेकर 1200 ml तक ब्लड जाता है और जब भी आप इसमें किडनी में पंक्चर करेंगे तो ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है और यह ब्लीडिंग फिर यूरिन में होकर आती है और यूरिन में ब्लड आता है। पहले जब दूरबीनें काफ़ी मोटी मोटी होती थी तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट काफ़ी होते थे, एज हाई एज 10% 15% पेशेंट में चढ़ाना पड़ता था। बट पिछले 10 सालों में मुझे याद नहीं कि मैंने किसी पेशेंट में ब्लड चढ़ाया है, क्योंकि दूरबीनें इतनी छोटी हो गई, प्रोसीजर फास्ट हो गया है और टेक्निक्स भी इम्प्रूव हो गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमारा एक्सपीरियंस भी गेन होता गया है तो हम उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ और बाकी सर्जन्स की बात करूँ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट्स ऑलमोस्ट निल हो गए हैं। यह डिपेंड करता है आपके स्टोन साइज पे और कितनी मोटी दूरबीन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है कि आप ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाना या बुखार होना। तो जब आप अंदर जानते हैं अगर किडनी स्टोन इन्फेक्टेड है और आप इन्फेक्टेड स्टोन में ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन के बाद बुखार आ सकता है, सेप्सिस हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर की जरूरत, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ICU में जा सकते हैं। इनके भी चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि ऑपरेशन के पहले हम लोग यूरिन कल्चर कराते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो ये दूसरा सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा है एडजेसेंट ऑर्गन इंजरी,
किडनी के आसपास के अंगों में अगर चोट लगने का रिस्क, जो हमारी किडनी होती है लेफ्ट किडनी के आसपास, जैसे स्प्लीन होती है मतलब तिल्ली होती है, बड़ी बड़ी आंत होती है, लीवर होते हैं, और राइट साइड में भी लीवर होता है, बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है। तो जब आप इस टाइप के ऑपरेशन करते हो तो आसपास की आंतों में चोट लग सकती है, लेकिन इसके चांसेस भी काफ़ी कम है। चौथा महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है लंग इंजरी या छाती में पानी भरना, प्लूरल इंजरी। कई बार अगर स्टोन किडनी की पोजीशन काफ़ी ऊपर होती है तो फिर हमें जो पंक्चर होता है या होल होता है पसली की हड्डी के ऊपर जाके करना होता है। जब पसली की हड्डी के ऊपर जाके करते हैं तो प्लूरा या जो लंग्स के बाहर की कवरिंग्स होती है वो पंक्चर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार उसमें पानी भर सकता है, जिसको हम हाइड्रोथोरेक्स कहते हैं, या ब्लड भर सकता है जिसमें जिसको हम हीमोथोरेक्स करते हैं, या हवा भर सकती है जिसको हम न्यूमोथोरेक्स करते हैं। ऐसा होने पर फिर लंग्स में ट्यूब डालनी पड़ती है। ऐसे इसके चांसेस बहुत कम है। अगर पसली की हड्डी के नीचे से जा रहे हैं, अगर पंक्चर कर रहे हैं, तो इसके चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। पर अगर 12वीं पसली की हड्डी के ऊपर जाते हैं तो यूजली 5% से 7% चांसेस होते हैं। अगर आप किडनी बहुत ऊपर है और एक्सीडेंटली आप 11वीं पसली की हड्डी से ऊपर जाते हैं, या रिप्स, जिसको पसली की हड्डी को रिप्स भी बोलते हैं, तो फिर ऑलमोस्ट 15-20% चांसेस होते हैं कि आपको छाती में पानी भरा जाए। मैंने आपको बताया नहीं कि अपने जो रिप्स होती हैं, यूजली 12 रिप्स होती हैं, ऊपर एक से लेकर 12 रिप्स होती हैं, और यूजली जो किडनी होती है वो 11वीं और 12वीं रिप्स से ढकी होती है, और जब ऑपरेशन करते हैं तो कई बार रिप्स भी सामने आती है, और रिप्स के ऊपर जाने में लंग इंजरी या प्लूरल इंजरी का रिस्क होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कि आपने दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के लिए किया और किसी वजह से आपको ओपन ऑपरेशन करना पड़ा या ओपन कन्वर्जन करना पड़ा। तो इस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस हम लोग देखते रहते हैं, बट पर्सनल एक्सपीरियंस में कभी हमें दूरबीन के ऑपरेशन के बाद ओपन नहीं करना पड़ा है। बिकॉज जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस प्रोग्रेस हुआ है, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाती है, तो ओपन कन्वर्जन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। फिर भी जब भी इस टाइप के ब्लाइंड प्रोसीजर्स होते हैं, ओपन ऑपरेशन की कंसेंट ली जाती है, तो यह भी एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो ओपन ऑपरेशन कर सकते हैं। बट इन नटशेल अगर मैं आपको बताऊं तो पीसीएनएल आज की डेट में काफ़ी एडवांस्ड हो चुका है, काफ़ी सेफ है। अगर डॉक्टर आपको एडवाइस दिया है तो आप डेफिनेटली उनसे डिस्कस करें क्या एडवांटेज हैं, क्या रिस्क है। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बड़े स्टोन को क्लियर करने के लिए यही एकमात्र सबसे अच्छा भी उपाय है। ओपन स्टोन सर्जरी आजकल ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, बहुत ही लिमिटेड इंडिकेशंस हैं जिसमें ओपन स्टोन सर्जरी की जाती है। इसके अलावा पीसीएनएल के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।